रूस ने धमकी दी है कि वो काला सागर के रास्ते यूक्रेन जाने वाले कार्गो जहाजों को संभावित सैन्य लक्ष्य के तौर पर देखेगा। वो ऐसा मानेगा कि कार्गो जहाज पर यूक्रेन के लिए सैन्य साजो सामान भेजा जा रहा है और वो उसे निशाना बनाएगा। आखिर रूस ने ऐसी धमकी क्यों दी है, आइए जानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर के जरिए अनाज के निर्यात को लेकर जो समझौता हुआ था, सोमवार को रूस उससे पीछे हट गया। रूस की दलील है कि काला सागर अनाज समझौते के तहत यूक्रेन का अनाज तो निर्यात हो रहा था, लेकिन रूस को अनाज और फर्टिलाइजर निर्यात नहीं करने दिया गया। रूस ने इसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। रूस आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन ब्लैक सी का इस्तेमाल सैन्य मकसद के लिए कर रहा है। इसी वजह से रूस ने कार्गो जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से एक बयान आया कि रूस नाविक जहाजों को निशाना बनाकर उसे यूक्रेन के मथे मर सकता है। दरअसल रूस के अनाज समझौते से निकलने के बाद अमेरिका, पश्चिमी देश और यूएन सब ने रूस को आड़े हाथों लिया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन के बंदरगाहों के आसपास रूसी सेना ने घेरा डाल लिया। इससे काला सागर के रास्ते यूक्रेन का अनाज निर्यात रुक गया। करीब 2 करोड़ टन अनाज फंस जाने की वजह से दुनिया में इसके दाम में भारी इजाफा होने लगा। अफ्रीका और मध्य पूर्व के उन देशों में अनाज संकट पैदा होने लगा जो यूक्रेन से आयात पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में पिछले साल जुलाई में रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात समझौता हुआ। इसके बाद काला सागर के रास्ते मालवाहक जहाज यूक्रेन के ओडेसा और कोर्नोमार्स्क जैसे बंदरगाहों से अनाज ढोने लगे। इस समझौते के बाद यूक्रेन ने करीब 3 करोड़ टन गेहूं का निर्यात किया। गौरतलब है कि यूक्रेन गेहूं, मक्का, बाजरा और सूरजमुखी का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। समझौता तोड़ने के पीछे रूस की दलील है कि इस समझौते के तहत रूस को जो मदद मिलनी थी उस पर पश्चिमी देशों ने अमल नहीं किया। मतलब ये कि समझौता एक तरफा तौर पर लागू हुआ और जैसा कि वादा किया गया था उसके मुताबिक रूस को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की शिकायत रही है कि रूस को अपने खाद्य पदार्थ और उर्वरक को निर्यात नहीं करने दिया जा रहा। रूस ने पहले भी समझौता तोड़ने की धमकी दी थी और नवंबर में इससे बाहर भी आ गया था, लेकिन फिर समझौते में बना रहा। आखिर रूस क्या चाहता है? रूस चाहता है कि उसके कृषि बैंक को स्विफ्ट व्यवस्था के तहत जोड़ लिया जाए जिससे उसे दुनिया के बैंकों के साथ लेन देन में सहूलियत हो। रूस ये भी चाहता है कि खेती की मशीनों के लिए और रखरखाव के कलपुर्जों के लिए उसे एक रियायत मिले। कुल मिलाकर वह अपने ऊपर प्रतिबंधों से राहत चाहता है। ऐसा नहीं हुआ इसलिए वह समझौते से बाहर आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अनाज निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की बात की है, लेकिन वह इतना सुगम नहीं होगा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा है कि अगली बार मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वो फिर इस समझौते के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे।